Children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is safety first, and the things we will learn are safety at home, safety at school, safety on the playground and in the swimming pool, safety on the road, and first aid. Newspapers are stuffed with the news of accidents almost every day. Accidents cause harm to life and property, they cause pain and suffering. Accidents can be avoided if we follow safety rules at home, at school, on the playground, and on the road. Injuries at home are mostly caused by slipping on floors, burns, electric shocks, and chemical poisoning. Make your home a safe place. Being aware and alert will also go a long way in keeping you safe. तो हमारे आसपास जितनी एक्सीडेंट्स uh, होते हैं कितनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है जो दर्द होती है सफरिंग होती है वो अलग अब ऐसे एक्सीडेंट्स को ऐसे इंसिडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें सो लेट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट सेफ्टी एट होम स्लिपिंग ऑन द फ्लोर अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर Trip over scattered toys or stumble down the stairs. So, to avoid such accidents, keep the floors at home clean and dry. Take care that the bathroom and the kitchen floors are not slippery. Do not leave your toys and other things lying on the floor. यूज़ अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई तो अपना जो फर्श है उसको हमेशा क्लीन रखें ड्राई रखें ताकि कोई भी स्लिप ना करे चाहे वो कमरे में हो बाथरूम में हो या किचन में हो फिर ज़मीन पर अपने टॉयज़ या कोई भी चीज़ों को बिखेर कर ना रखें उनको उनकी जगह पर रखें ऊपर से अगर आपने कोई थोड़ी हाइट से कोई चीज़ उतारनी है या उठानी है तो स्टेप लैडर या स्टूल का इस्तेमाल करें ना थिंक Where do accidents commonly occur? Now, let us look at what to do for burns. Now, accidents due to a fire in the kitchen can cause serious injury or even death. To avoid such accidents, one must not wear synthetic clothes in the kitchen. Such clothes catch fire easily. Gas stoves, when not in use, must be turned off. दे मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉयड लीकेज तो सबसे पहले तो किचन में जब भी आपने खाना पकाने का या कुछ भी ऐसा काम करना है कि आपने गैस या आग जलानी है तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने और जब आपका काम हो जाए तो गैस को बंद कर दें नाओ लेटेस्ट लुक फॉर इलेक्ट्रिक शॉक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस मेक आर वर्क ईजी दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक अब कितने सारे जो अप्लाइंसिस हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनसे हमारा काम आसान होता है लेकिन उनको इस्तेमाल करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए हाथ अगर गीले हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग को हाथ ना लगाएँ शौक लग सकता है Do not go too close to table fans or heaters if they are on. If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately. अगर आपको लगता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या कहीं पे स्पार्किंग हो रही है तो जो मेन स्विच है उसको इमीडिएटली बंद करें। Next comes poisoning. Accidental consumption of chemicals and medicines can cause poisoning.

इन स्कूल्स एक्सीडेंट्स कैन हैपन when चिल्ड्रन रन एंड पुश each अदर टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स do नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स यू मे फॉल एंड हर्ट yourself and एंड अदर्स डू नॉट क्लाइंब ऑन and एंड चेयर्स टू थ्रो around. अराउंड सबसे पहले तो सीढ़ियों से ऊपर या नीचे की तरफ दौड़ें नहीं आप गिर सकते हैं चोट लग सकती है और आपके साथ साथ कोई दूसरा भी आपके साथ गिर के चोट लग सकती है उसको भी फिर अपनी जो डेस्क या चेयर है उसके ऊपर चढ़कर चीज़ों को ना फेंकें नाउ लेट अस लुक एट सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल्ड प्लेइंग वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स डोंट पुश और पुल अदर प्लेयर यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट तो खेलते टाइम दूसरों को धक्का ना दें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करें आपने अगर किन्हीं झूलों पर झूलना है तो और स्विमिंग करते टाइम अगर आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग नहीं आती है तो जो एक ट्यूब आती है स्विमिंग के लिए उसका इस्तेमाल करें और हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में ही स्विमिंग करें सेफ्टी ऑन द रोड Now, follow the traffic rules for your own safety and the safety of others around you. Carelessness on the road can cause accidents. To avoid such accidents, walk on the footpath. Cross the road only at the zebra crossing. Look to your right, then to your left, and then to your right again. Cross the road when the traffic stops. Do not rush. Start out in time. समय से घर से या ऑफिस से निकलें ताकि आप कहीं के लिए आपको जल्दबाजी ना हो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो जो सड़क के साइड पर फुटपाथ होती है उस पर चलें सड़क क्रॉस करते टाइम हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग से ही करें सड़क क्रॉस करने से पहले आप अपने राइट साइड को देखें फिर अपने लेफ्ट को देखें फिर राइट को देखें अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तभी रोड क्रॉस करें नाउ लेट सी फर्स्ट एड First aid is the medical help given to an injured or a sick person before proper medical aid arrives. Immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. You must learn to give first aid. While giving first aid, be calm and make the injured or sick person comfortable. Make him lie down. Do not panic after an accident. Common emergencies that need first aid are minor cuts. ंग इंसेकट्स स्नैक बाइट्स एंड बर्ड्स प्रॉपर मेडिकल हेल्प पहुँचने से पहले जो भी कोई एक फर्स्ट हेल्प किसी इंजर्ड या सिख इंसान को दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं और फर्स्ट एड देते टाइम ध्यान रखें कि एक तो आप खुद भी थोड़ा सा काम रहें और जिसको चोट लगी है या जो कोई बीमार है उसको आप थोड़ा कंफर्टेबल करें और उस इंसान को थोड़ा लिटा दें और जो कॉमन इमरजेंसीज जिनमें हम फर्स्ट एड देते हैं वो अगर कोई छोटी मोटी कट लग गई या कोई बेहोश हो गया या कोई इंसेक्ट या स्नैक ने काट लिया या कोई छोटा मोटा बर्न हो गया तो हम उसकी मदद पहले कर सकते हैं मेडिकल हेल्प आने से पहले सो फॉर माइनर कट्स इफ समवन गेट्स अ माइनर कट फर्स्ट वॉश द कट विद वाटर देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट इफ देर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द कट ट्राई टू स्टॉप इट बाई टाइंग अ बैंडेज ऑन द कट डर्ट एंड फ्लाईज शूड नॉट बी अलाउड टू सेट ऑन द वड एज दे मे कॉज इन्फेक्शन सेंड फॉर अ डॉक्टर इमिडिएटली अगर किसी को कोई छोटा मोटा कट लग जाता है तो पहले जहाँ पर कट लगा है उस जगह को पानी से साफ पानी से धोएं उसके ऊपर एंटी सेप्टिक लोशन लगाएँ और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस कट के ऊपर बैंडेज बांध दें कोशिश करें कि जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर मक्खी ना बैठे वहाँ पर कोई गंदगी ना आए फिर डॉक्टर के पास ले जाएँ या डॉक्टर को बुलाएँ If a person faints. इफ अ पर्सन फेंट्स मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड एट अ लेवल लोअर दैन द बॉडी अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसको ऐसे लेटाएं कि उसकी बॉडी से उसका सिर का लेवल थोड़ा सा लो हो दिस हेल्प्स द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर इससे क्या है कि खून दिमाग तक ज़्यादा तेजी से पहुंचेगा अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन लूज इन हिज क्लोथ एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोर हेड लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली एंड कॉल फॉर अ डॉक्टर If bitten by an insect insect bites or stings are painful if bitten by an insect like a bee or a wasp apply a paste of baking soda and cold cream on the affected part to give relief put some ice on the affected part अगर कोई uh, कीड़ा काट लेता है जैसे कि मधुमक्खी तो आप क्या करें कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन या पेस्ट बना के या कोल्ड क्रीम के साथ उसका पेस्ट बना के जहां पे काटा है वहां पे लगाएं ताकि दर्द थोड़ी कम हो और जहां पे काटा है वहां पे आप बर्फ भी लगा सकते हैं फॉर बर्न्स इफ़ अ बर्न इज़ माइनर वॉश द बर्नड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया देन अप्लाई एन एंटी सेप्टिक क्रीम ऑन दी अफेक्टेड एरिया अगर कोई छोटी मोटी सी जगह पर जल हल्का सा जल गया है तो जहाँ पर जला है उसको बेहतर ठंडे पानी आ, से धोएँ या उस जगह को जहाँ पर जला हुआ है पानी के नीचे करें आ, उस जले हुए एरिया पर आप बर्फ़ भी लगा सकते हैं और कोई एंटी सेप्टिक क्रीम लगाएँ It is good to be prepared for an emergency and to know how to give first aid. However, it is better to remember and follow safety rules to avoid accidents. Always remember, prevention is better than cure. तो अगर कोई छोटी-मोटी इस तरह की emergency होती है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि हमेशा आप इतने careful रहें कि इस तरह की emergencies या accidents हो ही ना। Now, it is a fact for an insect bite, apply lemon juice or pieces of grated lemon to the affected area. A clay or mud paste can also be used to draw out the poison, that is, venom, especially if the sting is on the hand. A slice of cucumber is effective for an ant bite. Now, let's take a quick recap. Accidents can cause harm to life and damage to property, they also cause pain and suffering. Follow safety rules to avoid accidents. Some common accidents at home include slipping on the floor, burns, electric shocks, and poisoning. Now, bleeding wounds, fainting, insect bites, snake bites, and burns are a few emergencies that need first aid. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy. <music>